दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग स्मॉलेस्ट विंडो कंटेनिंग 0, 1 एंड 2 इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको C++ और जावा दोनों लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिखाऊंगा और साथ ही साथ मैं आपको काफी इन डेप्थ इसका इंट्यूशन बताऊंगा, कंसेप्ट बताऊंगा और मैं आपको दो अप्रोच बताऊंगा ताकि आप इस क्वेश्चन को और साथ ही साथ इससे सिमिलर क्वेश्चन को आप काफी आसानी से टैकल कर पाए और सॉल्व कर पाए। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास एक स्ट्रिंग दिया गया है जिसका नाम है एस, जिसमें सिर्फ तीन ही कैरेक्टर है, 0, 1 और 2। मतलब स्ट्रिंग का लेंथ वेरी कर सकता है, उसमें सिर्फ तीन एलिमेंट से मिलकर ही बना हुआ है, 0, 1 और 2। हमारा टास्क क्या है कि सबसे छोटा सब स्ट्रिंग को फाइंड आउट करना है, सबसे छोटा सब स्ट्रिंग को फाइंड आउट करना है जिसमें 0, 1 और 2 हर एक कैरेक्टर हो। ठीक है, इफ नो सच सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट देन रिटर्न -1। अगर ऐसा कोई भी सब स्ट्रिंग एग्जिस्ट नहीं करता है तो हमें क्या करना है, -1 को रिटर्न करना है। जैसे हमारे पास स्ट्रिंग दिया गया है 0, 1, 2, 1, 2, तो इसमें कौन ऐसा सब स्ट्रिंग है जिसका लेंथ सबसे छोटा है और जिसमें तीनों के तीनों एलिमेंट है 0, 1 और 2। तो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ 0, 1 और 2, इसका लेंथ 3 है और इसी सब स्ट्रिंग में हमारे तीनों एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसका साइज कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, वैसे यहाँ चेक करना है S1, 2, 1, 2, 1 ये दिया गया है, इसमें कोई ऐसा सब स्ट्रिंग है जिसका साइज हमारा, जिसमें हमारा 0, 1, 2 तीनों एलिमेंट हो, तो मैं देख रहा हूँ इसमें 0 है ही नहीं। जब 0 है ही नहीं तो क्या कर देना, -1 को रिटर्न कर देना। तो चलिए पहले मैं आपको इसको काफी बेहतर तरीका समझाता हूँ और फिर हम लोग इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया गया है, एक स्ट्रिंग दिया गया है स्ट्रिंग, और हमें क्या करना है, ऐसा सब स्ट्रिंग को फाइंड आउट करना है जो सबसे छोटा हो और जिसमें 0, 1 और 2 ये तीनों एलिमेंट प्रेजेंट हो। तो जो सबसे नाइव अप्रोच आपके पास निकल कर आएगा, अगर आपसे ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया या फिर कहीं भी आपसे पूछा गया, तो आप क्या बोलेंगे, सर मैं क्या करूंगा, जितना सब स्ट्रिंग फॉर्म हो सकता है मैं सबको निकालूंगा। तो मैं क्या करूंगा, 0 से शुरू होने वाला कितना सब स्ट्रिंग है, तो मैं देख रहा हूँ 0, फिर 0, 1, फिर 0, 1, 2, फिर 0, 1, 2, 1, फिर 0, 1, 2, 1, 2, फिर 1 से शुरू होने वाला सब स्ट्रिंग निकालूंगा, 1, 1, 2, 1, 2, 1। ऐसे ही जितना भी सब स्ट्रिंग होगा, हर एक कैरेक्टर से शुरू होने वाला मैं हर एक सब स्ट्रिंग को निकालूंगा और फिर चेक करूंगा कि इसका साइज कम से कम 3 है, क्योंकि कम से कम 3 जब साइज होगा तभी हमारा 3 एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होगा। क्योंकि इस सब स्ट्रिंग को अगर मैं चेक करूंगा 0, 1, 0 को, फिर 0, 1 को, फिर 1 को, 1, 2 को, तो इससे तो मेरा कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि हमें कम से कम 3 एलिमेंट चाहिए 0, 1, 2, और 3 एलिमेंट के लिए कम से कम 3 जगह चाहिए। तो ये सब को चेक करना ऐसे ही बेकार है, तो मैं इसको चेक करूंगा, जिसका साइज 3 और उससे ज्यादा होगा मैं उसको चेक करूंगा। तो मैं इसको चेक करूंगा, क्या इसमें 0, 1, 2 सब प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, इसका साइज कितना है, 3। मैं इसको चेक करूंगा इस विंडो को, क्या 0, 1, 2 इसमें प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, साइज कितना है, 4। ऐसे ही मैं चेक करूंगा और देखूंगा सबसे छोटा साइज किसका है जिसमें तीनों एलिमेंट प्रेजेंट है, तो यहाँ साइज दिखेगा कितना, 3, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो जो फर्स्ट अप्रोच आपको इंटरव्यूअर को बताना है, इसका कोडिंग आपको नहीं करना है, जो फर्स्ट अप्रोच बताना है उसमें क्या करना है कि सर मैं क्या करूंगा, जितना सब स्ट्रिंग हो सकता है मैं सब सब स्ट्रिंग को निकालूंगा और फिर वहां चेक करूंगा किसका साइज 3 और उससे ज्यादा है, जिसका भी साइज 3 और उससे ज्यादा होगा मैं उस सब स्ट्रिंग को कंसिडर करूंगा और उसमें चेक करूंगा क्या 0, 1, 2 तीनों एलिमेंट हमारा अवेलेबल है। अगर तीनों एलिमेंट उसमें अवेलेबल है और उसका साइज सबसे छोटा है तो उसको रिटर्न कर दूंगा। तो अगर मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, जो आप इंटरव्यू को बताना है, वो हो जाएगा ओ ऑफ एन स्क्वायर फॉर कंसिडरिंग ऑल द सब स्ट्रिंग, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा हो जाएगा कितना, ओ ऑफ 1, हम कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहे। तो जब आप ये बताओगे तो इंटरव्यू बोलेगा ऑप्टिमाइज करो। तो मैं आपको दो तरीका और बताता हूँ, दोनों ऑप्टिमल तरीका है, एक में हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे होंगे और एक में नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे आपको पता है कि आपको एक 0 चाहिए, एक 1 चाहिए, एक 2, और सबसे इसका साइज होना चाहिए छोटा होना चाहिए। मैं आपको विंडो स्लाइडिंग टेक्निक पर एक बताऊंगा और एक बताऊंगा ऐसे ही जो काफी आसान तरीका है। तो पहले मैं क्या करूंगा, देखो मुझे 3 एलिमेंट चाहिए, 0, 1 और 2। तो सबसे पहले जैसे देखो, एक वेरिएबल ले लो 0 इंडेक्स, 0 इंडेक्स इसका वैल्यू पहले -1 है, फिर एक ले लो 1 इंडेक्स, जैसे 3 एलिमेंट है तो मैं 3 वेरिएबल ले लूँगा, इसका वैल्यू पहले -1 है, और फिर एक ले लो 2 इंडेक्स, इसका वैल्यू पहले क्या है, -1। ए बेसिकली इसका इंडेक्स वैल्यू है, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू अगर मैं 0 रख दूंगा तो इंडेक्स वैल्यू 0 इसमें एग्जिस्ट करता है, तो इसीलिए मैं कुछ ऐसा वैल्यू ले लूंगा जो इसमें प्रेजेंट नहीं हो।
ठीक है, क्योंकि 0 1 2 3 ही इसमें एलिमेंट है, हमको पता चल गया। तो अब मैं इसको ट्रैवर्स करना शुरू करूंगा, यहाँ से ट्रैवर्स करना शुरू करूंगा 0 से, मतलब फर्स्ट एलिमेंट से, और चेक करूंगा क्या एलिमेंट 0 है। हाँ 0 है, तो 0 इंडेक्स में इसका इंडेक्स वैल्यू डाल दूंगा। इसका इंडेक्स वैल्यू कितना है, 0 1 2 3 4 5 6, इसका इंडेक्स वैल्यू कितना है 0 का, 0, तो इसमें 0 डाल दूंगा। फिर मैं यहाँ जाऊंगा, एलिमेंट चेक करूंगा क्या है, एलिमेंट हमारा 1 है, तो 1 है, तो 1 में इसका इंडेक्स वैल्यू डाल दूंगा। इसका इंडेक्स वैल्यू कितना है 1, इसका वैल्यू 1 हो गया। फिर मैं यहाँ जाऊंगा और क्या चेक करूंगा कि एलिमेंट हमारा 1 है, 1 है, तो अब हमारा जो इंडेक्स वैल्यू इसका 1 था, अब कट हो जाएगा 2, 2 हो गया। फिर यहाँ जाऊंगा, फिर चेक करूंगा एलिमेंट क्या है हमारा 0 है, 0 है, तो 0 का पहले जो इंडेक्स वैल्यू हमारा कितना था 0, अब कट कितना हो जाएगा 3, क्योंकि इसका इंडेक्स वैल्यू 3 है, इसमें 3 रख दूंगा। फिर मैं यहाँ जाऊंगा चेक करूँ कितना है 2, चेक करूँ कितना है 2, तो 2 का इंडेक्स वैल्यू कितना है 4, तो यहाँ -1 है, इसको 4 डाल लूँगा, इसको 4 डाल लूँगा। फिर मैं यहाँ जाऊँगा, फिर मैं यहाँ जाऊँगा, फिर मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ गया हूँ तो क्या चेक कर रहा हूँ, यहाँ 5 है, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो 5 हमारा कहाँ है, 5 हमारा कहाँ है, ये 1 है, 1, तो इसका वैल्यू क्या कर दूंगा, 1 का वैल्यू यहाँ 5 डाल लूँगा। फिर यहाँ जाऊँगा, 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 का वैल्यू हमारा कितना है 6, तो 2 का वैल्यू क्या डाल लूँगा, 6 डाल लूँगा, 6 डाल दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, देखो ध्यान समझो, अब मैं क्या करूंगा, मैं देख पा रहा हूँ कि कौन ऐसा विंडो है, ध्यान समझो, मैं देख पा रहा हूँ कौन ऐसा विंडो है जिसमें 0 1 2 सब अवेलेबल है, तो मैं देख पा रहा हूँ, एक बार मैं मार्क कर लेता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ये जो हमारा है, ये सारा सारा यहाँ तक, इसमें 0 1 2 तीनों एलिमेंट प्रेजेंट है, लेकिन इसका साइज कितना है 5, तो एक और विंडो है 1 0 2 1 0 2, इसमें भी 0 1 2 तीनों एलिमेंट प्रेजेंट है, इसका साइज कितना है 3, तो इन दोनों में मिनिमम कौन है, तो 3 है, तो आंसर क्या होगा 3। तो ऐसे मैंने कर लिया, मैंने ऐसे कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, अब देखो 0 इंडेक्स निकल गया 3, 1 इंडेक्स निकल गया 5, 2 इंडेक्स निकल गया 6, तो इन तीनों का मैक्सिमम क्या है, इन तीनों का मैक्सिमम क्या है आप लोग, सर इन तीनों का मैक्सिमम हमारा कितना है 6, 6, इन तीनों का मिनिमम क्या है, इन तीनों का मिनिमम, तो आप क्या बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे सर इन तीनों का मिनिमम क्या है, तो इन तीनों का मिनिमम हमारा कितना है 3, ऐसे कर सकते हो, और इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 3 आ जाएगा। या आपको क्या करना, आपको इतना सब नहीं करना है, आपको क्या करना, जब 0 इंडेक्स का वैल्यू कुछ आ गया, जब 1 इंडेक्स का वैल्यू कुछ आ गया, और जब 2 इंडेक्स का वैल्यू कुछ आ गया, मतलब जैसे कुछ कुछ वैल्यू इसका आ गया, ध्यान समझो, एक बार और समझाता हूँ तभी समझ में आएगा, तभी समझ में आएगा। आपको क्या करना है, जैसे 0 इंडेक्स रखना है, 0 इंडेक्स, फिर 1 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, फिर 2 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, पहले क्या रखना है, पहले -1 रखना है, -1, -1, जब जैसे -1 से मैंने इनिशियलाइज किया, जब इन सब का वैल्यू एक बार भी चेंज हो जाए, जैसे यहाँ पर मैं जाऊंगा 0 के पास, 0 के पास, इसका वैल्यू हो जाएगा 0, फिर मैं जाऊंगा 1 के पास, इसका वैल्यू कितना होगा 1, फिर मैं जाऊंगा यहाँ 2 के पास, इंडेक्स वैल्यू 2 के पास, इसका वैल्यू 2 हो जाएगा, फिर मैं जाऊंगा 3 के पास, इसका वैल्यू अब 3 हो जाएगा 0 का, क्योंकि 0 है, फिर मैं जाऊंगा यहाँ 2 के पास, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो अब देखो 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, सबका वैल्यू मेरा कुछ आ गया, सबका वैल्यू मेरा कुछ आ गया, तो अब मुझे क्या करना है, इन तीनों का मैक्सिमम निकालना है, इन तीनों का मैक्सिमम क्या है 4, 4, इन तीनों का मिनिमम क्या है 2, 2, और +1, +1 करना, +1 क्यों, क्योंकि देखो इसका इंडेक्स वैल्यू मेरा 0 से शुरू हो रहा है, 0 से, तो ये भी तो हमारा एक एलिमेंट कंसिडर होगा ना, इंडेक्स वैल्यू भले 0 से शुरू हो रहा है, लेकिन जब मुझे इसका लेंथ निकालना पड़ेगा तो मुझे एक ऐड करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा 0 से शुरू हुआ है, लेकिन इसका वैल्यू तो एक यहाँ 0 एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो वैल्यू एक ऐड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 4 - 2, 2 + 1 = 3, 3 हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान से क्या समझना है, ये मिनिमम आंसर आ गया, ये हमारा क्या आ गया मिनिमम, इन तीनों का मिनिमम कैसे निकालूंगा, मैं तीनों में सबसे बड़ा कौन है उसको रखूंगा, इन तीनों में सबसे छोटा कौन है उसको रखूंगा, और +1 क्यों, क्योंकि हमारा 0 इंडेक्स है, 0 बेस्ट इंडेक्स, तो उसमें ऐड ऐड करना, 1 ऐड करना पड़ जाएगा। तो अब मुझे क्या समझना है कि अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ 0 1 1 0 2, मुझे यहाँ तक कंसिडर करना पड़ा है, यहाँ तक मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो ये जो हमारा पूरा का पूरा वैल्यू हो गया 5, 5 मतलब 5 इसमें वैल्यू है, इसमें 5 इसका साइज है, तो इसमें 0 1 2 एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन इसका लेंथ 5 है, लेकिन अगर मैं सिर्फ 1 0 2 इसी में का ले रहा हूँ, 1 0 2, तो इसका हाइट कितना है 3, इसका लेंथ कितना है 3, तो इन दोनों में मिनिमम कौन है 3, तो हमारा आंसर क्या होगा 3। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें 3 वेरिएबल रखना है, सबको -1 से इनिशियलाइज करना है, और सबके काउंटर को बढ़ाते जाना है, मतलब सबके वैल्यू में उसका इंडेक्स वैल्यू ऐड करना है, जब तीनों का जो -1 था, तीनों -1 था, अगर तीनों का वैल्यू कुछ आइस में आ गया, तो सबका मैक्सिमम निकालना है, इसका मिनिमम निकालना है, और ये रख देना है, तो हमारा आउटपुट आ जाएगा। ये देखो ध्यान समझो, हमने क्या किया, सबको 0 से इनिशियलाइज किया है,
सबको 0 सॉरी -1 से और एक आंसर वेरिएबल रख लिया। अगर मुझे 0 मिलता है तो 0 में उसका इंडेक्स डाल लो, 1 मिलता है तो 1 में उसका इंडेक्स डाल लो, 2 मिलता है तो 2 में डाल दो। अगर सब कोई भी -1 नहीं है तो क्या करो, एक मिनिमम निकाल दो, एक मैक्सिमम निकाल लो तीनों का, और फिर उसका आंसर में मिनिमम निकाल दो, और आंसर इंट मैक्स बराबर नहीं है तो आंसर रिटर्न कर दो, नहीं तो -1 रिटर्न कर दो। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा ओ ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा ओ ऑफ 1। अभी मैं आपको एक और बेस्ट अप्रोच बताता हूँ, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक ऐड करके, स्लाइडिंग विंडो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ो आगे, मैं आपको यहाँ सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, उससे पहले मैं क्या करूँगा, अप्रोच आपको बताता हूँ, ध्यान समझो। इस केस में मैं क्या करूँगा, इस केस में मैं एक मैप रखूंगा, मैप, जैसे मैंने मैप यहाँ रख लिया। मैप क्या करता है, जितना एलिमेंट है उसके फ्रीक्वेंसी को काउंट कर देता है। तो मैं मैप रखूंगा और इसका जो एलिमेंट है क्या है, 0 1 1 0 2, 0 1 1 0 2, और उसके बाद क्या है 2 1, यहाँ कुछ भी जैसे एलिमेंट है, ठीक। तो अनऑर्डर मैप हमने रखा है, हम मुझे क्या करना है, जो एलिमेंट है, जो एलिमेंट और इसके काउंट को इसमें स्टोर करते जाना है। और मुझे पता है कि 0 1 2 तीन ही एलिमेंट है, 0 1 2 क्या है, तीन एलिमेंट। तो जब तक मैप के साइज, मैं क्या करूंगा इसमें उसका कैरेक्टर और उसका काउंट स्टोर करूंगा। जैसे सबसे पहले मेरा 0 है, 0, मैं इसमें 0 को डाल दूंगा, इसका काउंट कितना है 1, मतलब पहली बार 0 है तो 1 है। फिर मैं इस पर जाऊंगा और 1 है, ये क्या है 1, तो 1 को डालूंगा और इसका काउंट कितना है 1, मतलब पहली बार आया है तो 1। फिर मैं यहाँ जाऊंगा, 1 को डालूंगा, इसका कितना काउंट है 1 को, फिर मैं डालूंगा इसमें, देखूंगा 1 पहले से प्रेजेंट है तो 1 का काउंट 1 है, अब 1 का काउंट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर मैं इसे जाऊंगा, फिर देखूंगा 0, तो 0 का काउंट कितना है 1 है, एक बढ़ जाएगा अब 2 हो जाएगा। फिर मैं इसमें जाऊंगा, 0 साइज कितना क्या एलिमेंट है 2, इसका काउंट कितना है 1, इसमें डाल दूंगा। अब हमारा मैप का साइज 3 हो गया, जब मैप का साइज 3 हो गया तो अब मुझे यहाँ जाने की जरूरत नहीं, इसको डालने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि मुझे तीन एलिमेंट ही चाहिए, 0 1 और 2, और 0 1 2 इसमें चला गया है। तो अब मुझे क्या करना है, विंडो का साइज अभी कितना हो जाएगा, अभी मैं विंडो का साइज निकालूंगा तो मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हर एक एलिमेंट को हमने डाला है, तो विंडो का साइज 5 हो जाएगा। अगर मैं 5 विंडो का साइज ले रहा हूँ तो 0 1 2 तीन एलिमेंट अवेलेबल है, लेकिन मुझे मिनिमम चाहिए कि कम से कम कितना स्पेस है, कम से कम कितना साइज, यहाँ तो 5 हो जा रहा है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जब तक इसका साइज 3 है, साइज 3 है और हर एक एलिमेंट मुझे कम से कम एक बार चाहिए, लेकिन यहाँ 0 तो 2 बार है। तो अब मैं क्या करूंगा, 0 को जो काउंट पहले से आया है इसके काउंट को मैं घटा दूंगा, घटा दूंगा, कितना हो जाएगा यहाँ 1 हो जाएगा। और अब विंडो का साइज हमारा कितना हो गया, इतना हो गया, अब ध्यान समझो, अब हमारा विंडो का साइज इतना हो गया, इतना मतलब एक घट गया, तो विंडो साइज कितना हो गया, 2 1 3 1 4, 1 1 0 2, इसमें भी अगर 1 1 0 2 में लेता हूँ तो इसमें भी तो हमारा 1 0 0 1 2 अवेलेबल है। विंडो साइज अब कितना हो गया, पहले हमारा जो विंडो साइज 5 था वो कट के अब 4 हो जाएगा, कि अगर मैं 4 साइज का ले रहा हूँ फिर भी हमारा कितना हो जाएगा, इसमें 0 1 2 अवेलेबल है, तो हमारा 1 हो गया। अब मैं क्या करूंगा, फिर यहाँ आगे जाऊंगा और देखूंगा यहाँ 1 अवेलेबल है, 1, तो 1 की फ्रीक्वेंसी को मैं काउंट कर, मैं क्या करूंगा माइनस करके देखूंगा, तो 1 हमारा कितना है 2 है, इसको घटा दूंगा 1 हो जाएगा। अब मेरा विंडो का साइज कितना हो गया, इतना 1 0 2, अब हमारा विंडो का साइज कितना हो गया 1 0 2, 1 0 2, इसका साइज कितना हो गया 3, मिनिमम हमें चाहिए, इसका साइज कितना हो गया 3, मिनिमम 3। अब मैं फिर आगे जाऊंगा, फिर मैं आगे जाऊंगा यहाँ, फिर 1 का फ्रीक्वेंसी, तो 1 की फ्रीक्वेंसी को फिर माइनस करूंगा, और जैसे ही माइनस करूँ 0 हो जाएगा, जैसे हमारा 0 हो जाएगा तो मैं इसे बाहर निकल जाऊंगा, बाहर निकल जाऊंगा कि हमारा जो मिनिमम साइज था वो कितना ही था, 3 था, क्योंकि इससे भी मैं अगर कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं 0 हो गया तब तो हमारा साइज 2 हो गया, सिर्फ 2 ही एलिमेंट बचा 2 और 0, लेकिन मुझे 0 1 भी चाहिए, 0 1 2 चाहिए। तो अगर ये हमारा खत्म हो गया, जैसे मैंने 0 किया खत्म हो गया, तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट बचा है, तो मुझे मैप से बाहर आना है और जो हमारा मिनिमम आया था 3 उसको क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है। तो आई थिंक आपको लॉजिक समझ में आया होगा, हमने क्या किया, अरे हमने कुछ नहीं किया है, हमने एक मैप बनाया है, सबके काउंट को स्टोर करना शुरू किया है, जब तक मैप का साइज 3 है तब तक फिर उसको अब साइज रिड्यूस करना शुरू किया है, रिड्यूस, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का बढ़ गया था तो रिड्यूस करना शुरू किया है। रिड्यूस करते करते हमने इस रिजल्ट पर पहुंचा है कि इसका मिनिमम साइज 3 ही हो सकता है। तो हमने एक अनबाउंडेड मैप बनाया है, एक आई रखा है, एक जे रखा है, एक लेंथ रखा है, फिर जब तक उसका साइज जे उसके साइज से कम है स्ट्रिंग के साइज से, तब तक फ्रीक्वेंसी काउंट करो, और जब तक मैप का साइज 3 है तब तक उसका मिनिमम लेंथ निकालते जाओ, मिनिमम लेंथ, नहीं तो उसके फ्रीक्वेंसी को घटाते जाओ। अगर अगर इसके एलिमेंट का जो मतलब साइज बड़ा हो जा रहा है, जैसे यहाँ 2 बार आया है, कोई 3 बार आया है, तो घटाते जाओ, और जब इसका 0 हो जाता है तो उसको इरेज कर दो, और आई प्लस प्लस जे प्लस प्लस करते रहो, और लास्ट में अगर जो लेंथ है इंट मैक्स के है तो -1 रिटर्न कर दो, मतलब कोई भी इसमें चेंज नहीं हुआ है, नहीं तो जो लेंथ का वैल्यू स्टोर करेगा, लेंथ इसमें कितना स्टोर करेगा 3, तो 3 रिटर्न कर दो।
तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है एक बार मैप को ट्रैवर्स करना पड़ जाएगा, तो ओ ऑफ एन वर्स्ट के सिनेरियो में, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ हमारा एन हो जाएगा क्योंकि हमने मैप डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया। और सेम टू सेम यही कोड आपको जावा में यहाँ देखने को मिल जाएगा, तो आप इसको भी रेफर कर सकते हो। और नहीं तो इससे बेस्ट सोल्यूशन मुझे ये लगा, क्योंकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं हो रहा है, और सी प्लस प्लस और जावा दोनों में सेम टू सेम यही कोड है, कोई इसमें चेंजेज नहीं है। थोड़ा बहुत बहुत सिंटेक्स का चेंज जाएगा, बाकी सब सेम है, लॉजिक पूरा का पूरा सेम है। तो मेरे हिसाब से अभी तक का बेस्ट सोल्यूशन ये है, इसको आप बेस्ट मान सकते हो, इसको आप क्या मानना है बेस्ट मानना है। और इसको भी आप चाहो तो इंटरव्यू को बता सकते हो स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का यूज करके। अगर आप जो सी प्लस प्लस है या फिर जावा लैंग्वेज है या फिर डीएससी आप एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हो, आपको पता नहीं चल पा रहा है कि भैया यार आप क्या समझा रहे हो क्या हो रहा है, जब तक आप उसका बेसिक्स नहीं पढ़ोगे तो फिर बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपके लिए काफी डेडिकेटेड कोर्स सजेस्ट कर दूंगा, उसको पढ़ने के बाद आपका सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट है, जो कोर कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे, तब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो, अगर आप बेसिक्स जानते हैं तो आप ड्राई रन कर सकते हैं, वीडियो को 2 बार देख सकते हैं, 3 बार वीडियो पॉज कर करके देखिएगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। और बिगनर लोग को तो समझ में आता ही नहीं, उनको काफी टाइम देना पड़ता है, लेकिन डर के भागना नहीं है कि भाई यार समझ में नहीं आ रहा, भागना बिल्कुल भी नहीं है। सी प्लस प्लस का कोड है, मैं तो क्या करूंगा डायरेक्ट सबमिट करके दिखाऊंगा क्योंकि हमने इसको रन करके देखा है। तो अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दे सकते हैं, कुछ बताना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा, वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत सारे कोडर्स के साथ आप कोडिंग कर सकते हैं। और ये हमारा जावा का कोड है, आप इसको देख सकते हैं, हमने इसमें हैश मैप का यूज किया है, और मैं क्या करूँगा सबमिट करूंगा। और कोई दिक्कत है तो आप मुझे बिल्कुल सुझा दे सकते हैं कि भाई यार कुछ समझ में नहीं आया, या फिर और मैं यूज सकता था, या फिर और सोल्यूशन हो सकता था, कुछ भी अच्छा बुरा जो मन करे वो आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग वीडियो में यहीं पे पॉज करते हैं, कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, ज्वाइन कर लो ग्रुप को, अपने ग्रुप में शेयर कर दो यार कॉलेज ग्रुप में, ताकि उन लोग का भी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ धमाकेदार वीडियो के साथ, टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।